आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई के खिलाफ कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस और इंडियन यूथ कांग्रेस के बैनर तले यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और यहां पर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और अमित शाह के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है और यह आरोप लगाया जा रहा है कि ईडी का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है और चुनावों को प्रभावित करने के मद्देनजर बीजेपी इस तरह की मंशा रखती है जिससे कि चुनाव को प्रभावित किया जा सके। विकास जी, क्या क्या आरोप है? देखिए, हमारा कहना यह है कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं, ये सरकारी संस्थान अपना काम ईमानदारी पूर्वक करें। ये केंद्र सरकार के मोदी और अमित शाह के दबाव में आकर के जिस प्रकार से एक टारगेट करके कांग्रेस को है, जो मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोल रहे हैं, जो अमित शाह का लड़का जय शाह है उसके खिलाफ तो रेड नहीं पड़ी, रमन सिंह का लड़का है उसको सरकार ने लुक आफ्टर नोटिस जारी किया उसके खिलाफ रेड नहीं पड़ी, वसुंधरा राजे का लड़का माइनिंग घोटाले में था उसके खिलाफ रेड नहीं पड़ी, शिवराज सिंह के चौहान व्यापम घोटाले में रेड नहीं पड़ी। तो हमारा कहना यह है कि सरकारी संस्थान अपना कार्य दबाव में आके ना करें, दोहरा मापदंड ना अपनाएं। सरकारी संस्थाओं पर देश के लोगों को भरोसा है, 5 साल इनकी सरकार रही है, 5 साल में हमारे किसी भी नेता के ऊपर कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ है। जो आज चुनाव के समय पे दोबारा से बीजेपी की सरकार ये कार्य कर रही है, ये बिल्कुल टारगेट करके जो चीजें की जा रही है, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलेगा उसी की तरह चीजें करेंगे, वो हमारा कहना गलत है। सरकारी संस्थाओं को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। की संख्या में आप कार्यकर्ता देख सकते हैं, आपको लग रहा है कि चुनाव प्रभावित होगा इन चीजों से? चुनाव प्रभावित होगा इन चीजों से? सर, हम तो सच्चाई बताएंगे ना, हमें सच्चाई बतानी पड़ेगी। अगर जब तक कांग्रेस के नेता यूं ही मारे जाएंगे, हमारी पिटाई होती है कोई बात नहीं, मगर सच्चाई बताने के लिए हम सारे रोड में खड़े हैं। जितने भी हमारे बड़े नेता हैं वो सब सपोर्ट में है, हर कार्यकर्ता सपोर्ट में, वो यही कहते हैं अगर यही कार्य समिति बीजेपी के नेताओं के उनके बेटों के ऊपर भी हो तभी तो बराबरी होगी ना। हम ये बराबरी चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। और आप देख सकते हैं कई लेयर्स की यहाँ पर बैरिकेटिंग अभी पुलिस की तरफ से की गई है, चूंकि इन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मंशा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के घेराव की भी थी, लेकिन पुलिस ने एहतियातन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब ना हो इसलिए उन्हें यहीं पर रोक दिया है। कैमरामैन संदीप के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।